नमस्कार, मैं हूं पत्रकार रिफत नसीम और मेरे साथ आप देख रहे हैं रबची लाइव। उमेश पाल के हत्यारों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। इनकाउंटर के बाद बुलडोजर भी पहुंचा अपराधियों के द्वार। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, वही उमेश पाल की हत्या को योगी सरकार के कानून के राज पर सवाल के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में सरकार इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है। प्रयागराज की घटना के बाद जिस एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठे थे, अब दोनों को एक्शन में ले आया गया है। मर्डर केस के एक आरोपी असद के ड्राइवर अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है और माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले के आरोपियों की पहचान कर उनका इनकाउंटर कर सकती है। इस स्थिति में हत्याकांड के आरोपियों की परेशानी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। यहां आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मी संदीप निषाद पर दिन दहाड़े हमला हुआ था। इस हमले में आरोपियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, अतीक के भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के दो बेटों, अतीक के साथी गुड्डू और गुलाम और 9 अन्य साथियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी असद अहमद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश बढ़ा रही है। सीएम योगी ने तो विधानसभा में प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही है। इस कड़ी में यूपी पुलिस की मुठभेड़ में आरोपी अरबाज की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी की प्रयागराज के नेहरू पार्क में यूपी पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसे पुलिस ने मार गिराया। इस एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस के एडीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि मुठभेड़ में जब अरबाज को अस्पताल लाया गया, उस दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यूपी शासन पेशेवर माफिया के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है और ऐसे लोगों को पनाह देने वाले पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वाले अपराधी को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ ही इस केस में अब शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद के परिवार के करीबी जफर अहमद घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है। जी हां, जफर अहमद के घर पर चलाया गया बुलडोजर। उसे अतीक अहमद का गुर्गा बताया जा रहा है, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें रबजी लाइफ के साथ। धन्यवाद।